सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप्स टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 1 रुपए 30 पैसे की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक आधे परसेंट के करीबन की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 186 रुपए 95 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। आज के दिन स्टॉक ओपन होता है 185 रुपए 95 पैसे, स्टॉक हाई लगाता है 187 रुपए 65 पैसे का। अपने हाई से देखें तो स्टॉक लगभग 1 रुपए की करेक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है और आज के दिन का लो है 183 रुपए 90 पैसे। अपने लो से देखें तो स्टॉक में लगभग 3 रुपए की रिकवरी देखने को मिली है। स्टॉक में वॉल्यूम की बात करें तो नंबर ऑफ शेयर में बायर क्वाड्रेंटी है 9,34,141 क्वाड्रेंटी, वहीं पर सेल्स क्वाड्रेंटी 10,15,963 क्वाड्रेंटी। तो बायर्स के मुकाबले सेलर्स के नंबर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर अगर हम ट्रेड वॉल्यूम की बात करें नंबर ऑफ शेयर्स में तो लगभग 32,20,000 क्वाड्रेंटी देखने को मिल रही है। यानी स्टॉक के अंदर वॉल्यूम की मात्रा देखें तो काफी बड़ी मात्रा में है और साथ के साथ स्टॉक के प्राइस में भी एक पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में नीचे का एक सपोर्ट लेवल है 180 रुपीज का। 180 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक सपोर्ट लेवल बनाया है और यहां से स्टॉक में एक वन वे रैली बनती हुई नजर आई, जहां पर स्टॉक के अंदर एक ट्रिपल टॉप बॉटम बना है 206 रुपीज पर। 206 रुपीज पर इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक ट्रिपल टॉप बॉटम बनाएगा। ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा। स्टॉक में शॉर्ट टर्म में एक सपोर्ट लेवल था 191 रुपीज, स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन दिया और नीचे में 83 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट कर चुका है आज के दिन, क्योंकि आज के दिन का जो लो है वो 183 रुपीज का है। तो स्टॉक का जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, स्टॉक उस प्राइस को रिटेस्ट करके निचले लेवल पर एक बाउंस बैक दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नीचे में 183 रुपीज का एक इंपॉर्टेंट स्टॉक लॉस रखें, ऊपर के टारगेट अराउंड 196 रुपीज और सेकेंड टारगेट 202 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक जब तक 202 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट नहीं देता, स्टॉक एक रेंज बोन में ही ट्रेड करेगा, क्योंकि स्टॉक में पहले भी देखने को मिलाएगा कि स्टॉक ने 202 रुपीज के प्राइस को तो रिटेस्ट करता है पर ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक करेक्शन देखने को मिलती है। तो एक बार स्टॉक 202 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग बना लेता है तो वहां पर स्टॉक के अंदर एक फ्रेश मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा, पर जब तक स्टॉक इस प्राइस से नीचे है स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।